हाय दोस्तों, देसी फूड में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खीर। खीर बनाने के लिए दो मुट्ठी चावल लिया था। चावल को धो के भिगो कर 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। हमने यहाँ चीनी लिया हुआ है और काजू बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम बनाएंगे खीर, तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने दोस्तों आधा लीटर दूध लिया हुआ है। अब हम दूध को गर्म करेंगे। तो दोस्तों दूध उबल चुका है। अब हम इसमें एक गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद जो हमने दो मुट्ठी चावल भिगो के रखा था, अब उस चावल को इस खीर में डाल देंगे। तो दोस्तों हमने चावल को डाल दिया है। अब हम इसे दोस्तों चलाएंगे कि चावल हमारा नीचे लगे ना, और हम चीनी बाद में ऐड करेंगे। अभी हम खीर को पकने देंगे। देखिए दोस्तों खीर कितने अच्छे से पक रहा है। दोस्तों आधा चावल पक चुका है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी अब हम इसमें इसलिए ऐड करेंगे, आधा चावल पकने के बाद चीनी डालने से हमारा खीर और अच्छी तरह से पकता है। और हम इसमें थोड़ा सा जो काजू बादाम काट के रखा था उसको डाल दिए हैं, और इसके बाद हम और पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि खीर कितने अच्छे से पक रहा है। अब हम इसमें इलायची डालेंगे। 4 इलायची को हमने कूट लिया है। अब कूट के हम इलायची पाउडर इसमें इसलिए डालते हैं क्योंकि इसका इलायची पाउडर डालने से इसमें खुशबू आ जाती है और इसकी स्वाद और बढ़ जाता है। खीर को 5 मिनट हम और पकने देंगे। खीर कितने अच्छे से पक चुका है। दोस्तों चावल को भिगो कर 20 मिनट छोड़ देने से जब हम खीर बनाते हैं तो हमारा जो चावल है खीर का वो जल्दी से पक जाता है। आप इस तरह से खीर बनाइए, सबको खिलाइए और ख़ुद खाइए, सब आपकी तारीफ करेंगे। अब हम खीर को बाउल में रखते हैं। एक बार आप इस तरह से खीर बना के ज़रूर खाइएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।